नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, सुमन इंदौरी के एपिसोड नंबर 57 में आ गया है दोस्तों बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि दोस्तों जब तीर्थ मित्तल घर आता है तो दोस्तों वो सुमन इंदौरी को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन दोस्तों सुमन इंदौरी तो अपने मायके चली गई है, तो तीर्थ मित्तल को सुमन इंदौरी कहीं पर भी नहीं मिलती है। दोस्तों फाइनली दोस्तों वो अपने पापा से पूछता है कि पापा सुमन कहाँ चली गई है, तो उसका पापा उसको बोलते हैं कि मैं क्या CCTV हूँ जो मतलब घर में कौन आता है कौन जाता है इस पर नज़र रखूँगा। कहने का मतलब यह है कि उसके पापा का जो बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब सा रहता है। उसके बाद दोस्तों तीर्थ मित्तल अपनी मम्मी से पूछता है, तो उसकी मम्मी उसको बताती है कि सुमन जो है वो अपने मायके चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये सुनकर दोस्तों तीर्थ मित्तल को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसके बाद दोस्तों तीर्थ मित्तल जो है उसको शक होता है कि कहीं उसकी भाभी ने सुमन को कुछ गलत सलत तो नहीं बोल दिया, जिसकी वजह से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई है। तो दोस्तों अपनी भाभी पे भड़क जाता है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों तीर्थ मित्तल का जो बड़ा भाई है वो तीर्थ मित्तल के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि मतलब अपनी भाभी को क्या बोल रहे हो ऐसे करके। तो दोस्तों ये सब ड्रामा चलते रहता है दोस्तों, लेकिन फाइनली दोस्तों सुमन इंदौरी जो है अपने मायके चली गई है तीर्थ मित्तल को छोड़कर। वहां पर दोस्तों वो रो रही होती है अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा सदमा लगा है सुमन इंदौरी को, क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सुमन इंदौरी को वापस अपने पति के घर लौट जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोचते हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।